गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ओके, तो बेसिकली हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे डीएनए के कुछ पार्ट्स। ओके, जो कि डिफरेंट होते हैं हर एक इंडिविजुअल में, और उसके बाद हम लोग इस पर्टिकुलर प्रोसेस पे जाएंगे जो कि है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ओके, फिर देखेंगे इसमें हम लोग कि इसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्यों बोला जाता है और ये किस तरह से परफॉर्म किया जाता है, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमने ये पढ़ा था 99% ऑफ द जीनोम जो होता है, राइट, 99% ऑफ हमारा टोटल जीनोम और हमारा जो बेस सीक्वेंसेस है वो सबके में सेम रहेगा, राइट, और 0.1% जो होता है ये डिफरेंट होता है। तो यही हमारा बेसिस है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, और ये बोल सकते हैं कि जितने भी इंडिविजुअल हैं ये जो 0.1% है यही डिफरेंस के वजह से क्या होता है, इनका जो जीनोम है वो अलग हो जाते हैं एक दूसरे से, राइट। तो हर एक इंडिविजुअल का जो सेल होता है उस पर्टिकुलर सेल के अंदर जो डीएनए होते हैं उस डीएनए का 0.1% पार्ट अलग होगा दूसरे इंडिविजुअल के सेल के अंदर जो डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि एक इंडिविजुअल के अंदर जो सेल्स होते हैं उनमें कुछ डिफरेंस आता है, राइट। वो क्यों क्यों नहीं आएगा उनमें, क्योंकि जो सारे सेल्स होते हैं एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में वो सारे के सारे जायगोट से फॉर्म होते हैं माइटोटिक डिवीजन के थ्रू, राइट। तो एक इंडिविजुअल का हर एक सेल जो होगा वो सेम होगा, एग्जैक्टली सेम होगा, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। उनके अंदर जितने भी क्रोमोजोम्स होते हैं उन क्रोमोसोम के अंदर डीएनए का जो भी सीक्वेंस होता है, ओके, बेस पेयर के जो भी सीक्वेंसेस होते हैं वो सारे के सारे सेम रहेंगे एक इंडिविजुअल में। लेकिन अगर दो इंडिविजुअल के बारे में बात करें तो उन दोनों में डिफरेंसेस होगा, राइट। तो अब देखते हैं कि ये जो डिफरेंसेस होते हैं वो क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं और वो किस तरह से इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आइडेंटिफिकेशन में। तो ये जो 0.1% डिफरेंस है बेस पेयर में, ओके, ये क्या होते हैं, कुछ रिपीटेटिव सीक्वेंसेस होते हैं। हमने इससे पहले भी देखा था स्निप्स के बारे में, राइट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में स्निप्स के बारे में देखा था। इसमें हम थोड़ा सा बात करेंगे स्निप्स के बारे में भी, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि ये जो रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं ये सब क्या होते हैं। रिपीटेटिव डीएनए वो सीक्वेंस होता है कोई भी बेस पेयर, मतलब मान लो पाँच से छः बेस पेयर हो, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में लिया गया है चार बेस पेयर का, ए जी सी टी, ओके। ये जो चार बेस पेयर है यहाँ पे दिख रहा होगा ये तीन बार रिपीट होके दिखाया गया है। ये जो चार बेस पेयर है ये तीन बार रिपीट हुआ है, यहाँ पे इस तरह से मैंने डॉट डॉट मार्क किया है, इसका मतलब ये आगे भी रिपीट है, इस तरह से पीछे भी कुछ रिपीट्स हैं। ये फोर बेस पेयर का जो रिपीट है ये हो सकता है 10 रिपीट्स हो, ओके, ये भी हो सकता है कि 100 रिपीट्स हो, ये भी हो सकता है कि 1000 रिपीट्स। तो ये सब डिफरेंट होता है, हर एक इंडिविजुअल में अलग अलग देखने को मिलेगा। प्लस जो हर एक सेल होता है उस सेल में जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं, हो सकता है फर्स्ट क्रोमोसोम जो होता है उसमें थोड़ा अलग सीक्वेंस पाया जाए, ओके, उनका नंबर ऑफ रिपीट्स अलग हो, राइट। तो दूसरे जो क्रोमोसोम होंगे, मान लो क्रोमोसोम नंबर 1 में ये सीक्वेंस पाया गया कुछ हद तक, उसके बाद अगर हम क्रोमोसोम नंबर 2 लेते हैं तो मान लो दूसरा कोई बेस पेयर का सीक्वेंस हो, मान लो कोई 10 बेस पेयर का सीक्वेंस हो जो कि रिपीट हो रहा हो, राइट। तो ये जो होता है ये होता है हमारा रिपीटेटिव डीएनए, डीएनए का वो पर्टिकुलर पार्ट जो कि कुछ बेस पेयर्स जो होते हैं वो कंटिन्यूअसली रिपीट होते चलते हैं। तो हम इनको अलग कैसे करें, राइट। तो अगर हम लोग पूरा डीएनए का, ओके, पूरा डीएनए का अगर डेंसिटी देखें तो वो अलग अलग आएगा, राइट, अलग अलग आएगा। और ये कैसे पता चलता है, एक टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन होता है जिसे बोलते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें क्या है, एक्चुअली इसमें होगा डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में होगा क्या कि डेंसिटी के अकॉर्डिंग डीएनए का जो उसका डेंसिटी के अकॉर्डिंग जो डीएनए मॉलिक्यूल के पार्ट्स हैं, ओके, वो अलग अलग हो जाएंगे। जैसे कि मान लो ये हमारा टोटल डीएनए है, मान लेते हैं 2.2 मीटर लॉन्ग का, इसका अगर हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, ओके, सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद क्या मिलेगा, दो डीएनए मिलेंगे, ओके, दो तरह के इनमें इस तरह से टेस्ट ट्यूब में क्या होगा, दो तरह का अलग अलग होके इस तरह से ये सेपरेट हो जाएंगे, ओके। एक जो होगा बल्क डीएनए और सबसे ज़्यादा जो डीएनए होगा
वो क्या होगा, बल्क डीएनए बोला जाता है उसे, और वो क्या होता है 99% 99.9% जो है सब में सेम रहता है, राइट। और बाकी जो ये छोटा सा पोर्शन हमारा 0.01% रहता है, ओके, इसे क्या बोला जाता है, सैटेलाइट डीएनए, जो कि डिफरेंट होता है हर एक इंडिविजुअल में। ये जो सैटेलाइट डीएनए होता है ये एक ही पीक में नहीं आता, ओके, इसको इसका अलग अलग इस तरह से डेंसिटी के अकॉर्डिंग ये अरेंज हो जाते हैं। और इनका अगर पीक हम लोग देखें कंप्यूटर पे, अगर इसको फिर हम लोग, बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, इस बेस सीक्वेंसेस को आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर इसको कंप्यूटर पे क्या किया जाता है, इसके पीक्स देखे जाते हैं। तो वो कैसा दिखेगा, एक्चुअली इस तरह से एक बल्क डीएनए दिखेगा, ओके, जो कि हमारा 99.9% है, और इस तरह से कुछ सैटेलाइट डीएनए दिखेंगे। सैटेलाइट डीएनए मतलब ये जो 0.1% है, ये अलग अलग होते हैं, ओके, रिपीट्स के अकॉर्डिंग अलग होंगे। मान लो ये जो रिपीट है इसमें मान लो जी और सी है, जी और सी का कंटेंट अगर ज़्यादा होगा, ओके, तो उसके रिपीट्स अलग दिखेंगे। मान लो ये है जी और सी का कंटेंट, इसमें ज़्यादा है। मान लो किसी रिपीट में ए एंड टी का कंटेंट ज़्यादा है, ओके, तो वो थोड़ा अलग पीक होगा, थोड़ा हाई पीक हो सकता है, थोड़ा लो पीक हो सकता है, राइट। तो इस तरह से अलग अलग पीक समय देखने को मिलते हैं। तो ये जो सैटेलाइट डीएनए है, इसको और भी बहुत सारे क्लासिफिकेशंस किए गए हैं इसके बेस्ड ऑन क्या क्या, किस बेसिस पे होता है ये, एक्चुअली ए रेशियो टी, ए टी सीक्वेंस, ओके, और जो जीसी है इसका रेशियो, इनके अकॉर्डिंग इनका क्लासिफिकेशन होता है। प्लस और कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, लेंथ ऑफ सेगमेंट। लेंथ ऑफ सेगमेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया था, ये अगर 10 रिपीट्स हो रहा है, राइट, ये 4 बेसिस का 10 रिपीट्स हो रहा है, तो ये इसका लेंथ है, 10 रिपीट इसका लेंथ जितना भी होगा, राइट। तो उसके बाद और क्या हो सकता है, ये 100 रिपीट्स हो सकता है, वो उसका लेंथ होगा दूसरे का। कोई अगर इस तरह का रिपीटेटिव डीएनए है जो कि एक पर्टिकुलर बेस पेयर का 1000 रिपीट्स होगा, तो वो एक दूसरा लेंथ होगा उसका। तो इस लेंथ के बेसिस पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, किसको, सैटेलाइट डीएनए को, राइट। और क्या हो सकता है, नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट, कि कितने रिपीटेटिव यूनिट्स होते हैं इसमें, जैसे कि और क्या हो सकता है, देखो पहले पहला क्या हुआ था, एटी और जीसी कंटेंट के बेसिस पे कर सकते हैं, फिर लेंथ ऑफ सेगमेंट कर सकते हैं, प्लस ये जो बेस पेयर्स के रिपीट हैं, ये कितने बेस पेयर का रिपीट हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे 4 बेस पेयर का रिपीट लिखा गया है, कहीं पे क्या हो सकता है 3 का भी रिपीट हो सकता है, कहीं पे 2 बेसिस का भी रिपीट हो सकता है। उसके बेसिस पे अगर मेजरली हम लोग देखें तो आपके एनसीईआरटी में, आपके सिलेबस में 2 तरह के इसके क्लासिफिकेशन किया गया है, उसके बारे में दिया गया है बस, और भी कई सारे क्लासिफिकेशन होते हैं, और इसके अंडर भी कई सारे और छोटे छोटे क्लासिफाइड होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग बस हमें 2 क्लासिफिकेशन के बारे में देखना है। पहला क्या है देखो, मिनी सैटेलाइट, और दूसरा क्या है, माइक्रो सैटेलाइट। नाम से क्या पता चल रहा है, मिनी सैटेलाइट, मिनी मतलब छोटा होगा, माइक्रो मतलब इससे भी छोटा होना चाहिए ये। तो मिनी सैटेलाइट किससे बोलते हैं, एक कुछ ऐसा रिपीट, ओके, कुछ ऐसा रिपीट, मान लो 50 से 100 बेस पेयर का कुछ रिपीट हो सकता है, राइट, उसका अगर कंटिन्यूसली बहुत बार रिपीट हो उन बेसिस का, जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है ए जी सी टी ए टी सी, यहाँ पे बस 7 बेस पेयर का रिपीट मैंने लिया है, लेकिन इतना छोटा रिपीट जो मिनी सैटेलाइट में नहीं होता कभी भी, मैंने क्योंकि यहाँ पे मैं पूरा 50 बेस का तो सीक्वेंस नहीं लिख सकती, इसलिए बस एक एग्जांपल लिया है। देखो तो यहाँ पे क्या है, ये 7 बेस पेयर का जो रिपीट है ये कई बार रिपीट हो सकता है, 100 बार रिपीट हो, 1000 बार रिपीट हो, ओके, इस तरह से होता है। लेकिन माइक्रो में क्या होता है, मिनी से कम होगा इसमें रिपीट, मिनी से कम बेसिस का रिपीट होगा, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे बस 2 बेस का रिपीट दिया गया है, राइट, यहाँ पे बस 2 बेस का है, यहाँ पे 7 बेसिस का है। अगर माइक्रो सैटेलाइट के बारे में बात करें तो ये नॉर्मली 10 से 20 बेस पेयर के रिपीट्स होते हैं, और ये जो होते हैं 50 से 100, ये हो सकते हैं वेरी करते हैं एक्चुअली, समझ में आया। और ये जो मिनी सैटेलाइट है इसके अंडर एक और चीज़ आता है वी एन टी आर, जिसके बारे में हम लोग इसके आगे अभी देखेंगे, ओके। उसके बाद एक छोटा सा पोर्शन है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, नाम से क्या पता चल रहा है, पॉली पॉली का मतलब मेनी होगा, मॉर्फ का मतलब फॉर्म्स होंगे, मेनी फॉर्म्स। इसका मतलब क्या है कि हम जानते हैं कि हमारा जो क्रोमोसोम है, राइट, क्रोमोसोम के अंदर लोकस होते हैं। लोकस क्या होते हैं, लोकस वो पार्ट होता है उस पर्टिकुलर क्रोमोसोम का जहाँ पे कोई डीएनए या फिर एलील मिलता है। अब मान लो
अगर ये कुछ इंडिविजुअल्स हैं, हमने अभी देखा था कि जो 0.01% डीएनए है वो सारे इंडिविजुअल में अलग होगा, बाकी जो डीएनएज होते हैं वो सेम होते हैं। और जो ये 0.01% होता है, ये डीएनए क्या होता है हमारा, मोस्टली रिपीटेटिव होता है, जो रिपीटेटिव सीक्वेंसेस होते हैं, राइट, उससे बना हुआ होता है ये। और ये जो रिपीटेटिव सीक्वेंसेस होते हैं वो आइदर क्या हो सकते हैं, मिनी सैटेलाइट्स हो सकते हैं या फिर माइक्रो सैटेलाइट्स हो सकते हैं। तो अब आते हैं डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म पे। तो ये जो मिनी सैटेलाइट या माइक्रो सैटेलाइट है, या फिर सिंपली अगर बात करें तो ये जो रिपीटेटिव सीक्वेंसेस है, ये हर एक इंडिविजुअल में डिफरेंट होगा। ओके, कैसे डिफरेंट होता है देखते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है एक क्रोमोसोम का। ये सारे क्रोमोसोम्स में डिफरेंट सीक्वेंसेस मिलेंगे, हर एक इंडिविजुअल में कुछ ना कुछ डिफरेंस डेफिनेटली होगा। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ क्रोमोसोम वन को लिया है। क्रोमोसोम वन, ये पर्सन वन का है, ये पर्सन सेकेंड पर्सन का है, और ये थर्ड पर्सन का है। हमने क्या किया कि तीनों पर्सन का जो क्रोमोसोम नंबर वन है उसको निकाल के उसके अंदर हमने एक पर्टिकुलर लोकस का स्टडी किया। लोकस क्या होता था, एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ, एक पर्टिकुलर वो पार्ट होता था क्रोमोसोम का जहाँ पे कि हम लोग कोई स्टडी करते हैं, या फिर उसके पास जो डीएनए होता है उसके बारे में हम आगे जो भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं या फिर जो भी होते हैं। जैसे कि इस डीएनए का, इस क्रोमोसोम का अगर लोकस के बारे में बात करें तो ये इसका लोकस है। ओके, उसी पर्टिकुलर लोकस में क्या होगा, यहाँ पे इस क्रोमोसोम का लोकस है क्रोमोसोम नंबर वन का, ये क्रोमोसोम नंबर वन का लोकस यहाँ पे, मतलब सेम पोजीशन, राइट। ये जो लोकस होगा ये पोजीशन होगा, और ये पोजीशंस जो होते हैं सारे क्रोमोसोम में एक पर्टिकुलर जीन के लिए सेम होते हैं। जैसे कि अगर मैं ये मान लूँ कि क्रोमोसोम नंबर वन में यहाँ पे एक जीन प्रेजेंट है इस लोकस में, तो क्या होगा कि दूसरे पर्सन के भी वही लोकस में वही जीन प्रेजेंट होगा। ऐसा नहीं है कि जीन का जो पोजीशन है या फिर जो एलील का पोजीशन है वो डिफरेंट हो जाएगा, लोकस उसका डिफरेंट हो जाएगा, पोजीशन डिफरेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर एक जीन के बारे में बात करें या फिर एक एलील के बारे में बात करें तो लोकस हमेशा सेम रहेगा, राइट। तो अभी ये जो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म है ये क्या हो रहा है, अब देखो मैंने यहाँ पे ब्लू में मार्क किया है, ये है इस पर्टिकुलर लोकस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब ये क्रोमोसोम नंबर वन है फर्स्ट पर्सन का, यहाँ पे ये लोकस है। ओके, ये पर्सन नंबर टू का अगर हम लोग वही लोकस के बारे में बात करें तो यही पोजीशन होगा, राइट। पर्सन थ्री में भी वही पोजीशन होगा उस पर्टिकुलर लोकस का। अगर यहाँ पे हम लोग उस रिपीटेटिव सीक्वेंस के बारे में बात करें तो क्या होता है, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि मान लो ये जो लोकस है इसके पास सी ए का रिपीटेटिव सीक्वेंस, मतलब ये जो सी ए है दो बेस पेयर जो है इनका कंटिन्यूस रिपीट होता रहता है। तो पर्सन वन में अगर ये 90 रिपीट्स हैं तो ये पॉसिबल है कि जो पर्सन नंबर टू है उसमें 100 रिपीट्स हों और पर्सन थ्री में ये 105 रिपीट्स हों, ये पॉसिबिलिटी है। और पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकता है कि यहाँ पे ये जो सी ए सी ए सी ए का रिपीट हो रहा है इसमें ये भी हो सकता है, मान लो कि यहाँ पे कोई एक और बेस का एडिशन हो गया हो, ओके, उनका भी रिपीट हो सकता है। तो यहाँ पे आप लोगों को बस एग्जांपल में मैंने तीन पर्सन का लिया है जो कि एक पर्टिकुलर लोकस में डिफरेंसेस आ रहे हैं। वो डिफरेंस कैसे आ रहे हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ रिपीट्स जो है वो वेरी कर रहा है, ओके। तो ये एक पर्टिकुलर डिफरेंस है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अलग अलग इंडिविजुअल में ये जो रिपीट्स हैं ये अलग अलग पाए जा रहे हैं, और इसी को क्या बोला जाता है, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब उसका अलग अलग फॉर्म, ओके। अलग फॉर्म कैसे हुआ, क्योंकि ये रिपीट्स जो हैं ये अलग अलग दिख रहे हैं। एक और टर्म आता है एलीलिक सीक्वेंस वेरिएशन, ओके। भाई अब ये क्या होता है, हम क्या जानते हैं एलील क्या होता है, एक बार फिर याद करो एलील क्या है। अगर इस पर्टिकुलर क्रोमोसोम के बारे में हम बात करें तो क्रोमोसोम का वो अगर लोकस के बारे में बात करें तो एक लोकस में अगर मोर देन वन टाइप ऑफ वेरिएंट देखने को मिले, राइट, मोर देन वन टाइप ऑफ वेरिएंट देखने को मिले एक पर्टिकुलर जीन का, तो हम उसे क्या बोल देते हैं, एलील बोल देते हैं। जैसे कि अगर एक जीन है टॉल के लिए, राइट, हमने ये सबसे आसान सा एग्जांपल होता है, ये सबको याद भी होता है इसलिए मैं बार बार यही एग्जांपल लेती हूँ। तो अगर टॉल का कोई जीन है तो फिर उसमें एलील क्या हो सकते हैं उस जीन का, कैपिटल टी और स्मॉल टी हो सकते हैं, मतलब ये दोनों में थोड़ा बहुत वेरिएशंस होगा, राइट, और ये दोनों अलग अलग कैरेक्टर्स को शो करेंगे, फिनोटिपिक कैरेक्टर्स को, राइट।
तो ये जो एलीलिक सीक्वेंस वेरिएशंस होते हैं, यहाँ पे भी अगर देखें तो एक लोकस में जो सेगमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है वो भी तो एलील है कि नहीं, क्योंकि वो मतलब वो अलग अलग है सारे में। ओके, तो ये जो एलील हुआ इनके सीक्वेंस में वेरी हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे 90 रिपीट्स हैं, यहाँ पे 100 रिपीट्स हैं, कुछ ना कुछ सीक्वेंसेस में इनके वेरिएशंस आ रहे हैं। अब ये जो एलीलिक सीक्वेंस वेरिएशंस होते हैं, यही तो क्या होते हैं, हमारे डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं। इन जो ये जो सीक्वेंसेस होते हैं, इन वेरिएशंस आया तब जाके तो डीएनए में पॉलीमॉर्फिज्म आया है कि नहीं, डीएनए में अलग अलग वैरायटी के सीक्वेंसेस पाए जा रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो एक लोकस में, ओके, ये यहाँ पे एक लोकस है, ये लोकस में ये जो एलील है, ये डेफिनेटली ये जो लोकस है, यहाँ का जो एलील है सेम लोकस में, ये दोनों एलील डिफरेंट हुए। तो ये इसको कब हम बोल सकते हैं कि ये डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म शो कर रहा है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पॉपुलेशन स्टडी करना पड़ता है। पॉपुलेशन स्टडी की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं कि एक क्रोमोसोम में, एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम का एक पर्टिकुलर लोकस में कितने चेंजेस आए हैं, उनके कितने डिफरेंट वैरायटी के एलील मिल रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पॉपुलेशन में जाना पड़ेगा, राइट। क्योंकि एक इंडिविजुअल का अगर बात करें तो एक इंडिविजुअल के पास जो क्रोमोसोम होता है वो हर एक सेल में उस पर्टिकुलर लोकस में क्या होगा, उनके एलील वही रहेंगे। लेकिन अगर हमें एलीलिक वेरिएशन स्टडी करना है, एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम के लोकस में क्या चेंजेस हैं वो स्टडी करना है, तो हमें पूरे पॉपुलेशन में जाना पड़ेगा। ओके, मतलब मोर देन वन इंडिविजुअल को हमें चेक करना पड़ेगा कि उनका जो उस पर्टिकुलर क्रोमोसोम है, उन पर्टिकुलर क्रोमोसोम का उस लोकस में क्या चेंजेस आए हैं। ओके, तो इसी तरह से पॉपुलेशन स्टडीज़ होते हैं, हमें ये वेरिएशंस देखना होता है। और हम कब बोल सकते हैं कि डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म हुआ है या फिर कोई इवोल्यूशन हो रहा है, वो तब बोल सकते हैं जब 100 इंडिविजुअल में से कोई एक इंडिविजुअल में कुछ चेंजेस आए हों एलील में, राइट। अब मान लो ये कैसे होता है, ये क्वेश्चन आता है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फील होता है, लेकिन ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है अगर ध्यान से समझो तो। अब मान लेते हैं एक पॉपुलेशन है जिसमें 200 इंडिविजुअल्स हैं। ओके, इन 200 इंडिविजुअल में हमने क्या किया, सबसे पहले इनका पॉपुलेशन स्टडी किया। ये 200 इंडिविजुअल का हमने क्या किया, क्रोमोसोम नंबर वन में एक पर्टिकुलर लोकस में एलील का सीक्वेंस हमने इनका स्टडी किया। अब मान लेते हैं क्या हुआ, कुछ सालों बाद, ओके, कुछ ईयर बाद हमने क्या किया, फिर से इनका स्टडी किया। फिर से स्टडी करने के बाद हमें क्या पता चला कि ये जो क्रोमोसोम नंबर वन है, ओके, ये क्रोमोसोम नंबर वन में कुछ इंडिविजुअल में क्या हुआ है, कुछ चेंजेस आए हैं, राइट, कुछ चेंजेस आए हैं। तो अब क्या होगा, ये जो 200 इंडिविजुअल थे वो क्या किए होंगे, प्रोजेनीज जनरेट किए होंगे, राइट। तो मान लेते हैं ये सारे के सारे रिप्रोडक्टिवली हेल्दी थे और ये सारे के सारे कुछ प्रोजेनीज को आगे मतलब इनहेरिट किए हैं, जो कि मान लेते हैं कि ये 200 से मान लो 250 हो गए। ओके, 200 से 250 हो गए हैं। तो अब मान लेते हैं कि हमने ये 250 इंडिविजुअल का हमने स्टडी किया और कुछ इंडिविजुअल हम ऐसे देखे जहाँ पे कि ये जो क्रोमोसोम वन का ये लोकस जिसका हम लोग स्टडी कर रहे थे उसमें कुछ वेरिएशंस आए हैं, उनके उनके ये जो बेस सीक्वेंसेस थे, मान लो इनका था CA 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 इस तरह का था और इनमें कितना रिपीट्स होता था, ये 100 रिपीट्स हुआ करते थे, राइट। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टडी जब हुआ तब क्या देखा हमने कि ये जो क्रोमोसोम नंबर वन है, ये 250 इंडिविजुअल का स्टडी हुआ था और इनमें क्या हुआ कि एक इंडिविजुअल जो था उनका जो बेस सीक्वेंस था उसमें चेंजेस देखने को मिला। ओके, तो अगर उनमें बेस सीक्वेंस में चेंज देखने को मिला तो कैसे चेंज हुआ होगा, म्यूटेशन से चेंज हुआ होगा, जाहिर सी बात है। ओके, तो ये म्यूटेशन में चेंज हुआ एक इंडिविजुअल में। अगर आउट ऑफ 250 इंडिविजुअल एक में अगर चेंज हुआ है तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, म्यूटेशन हुआ है। भाई ठीक है, म्यूटेशन हो गया उस इंडिविजुअल में, अब कोई बात नहीं, अब आगे चल के देखेंगे कि ये किस तरह का उस पर्टिकुलर लोकस में कुछ वेरिएशन ला पा रहा है या नहीं ला पा रहा है, राइट। उसके बाद मान लो कि और कुछ सालों बाद क्या किया हमने, उनका फिर से स्टडी किया। तो ये जो 250 इंडिविजुअल होंगे ये क्या रिप्रोडक्टिवली अगर हेल्दी हैं तो फिर या ये क्या करेंगे, फिर से प्रोजेनी जनरेट करेंगे। ओके, मान लो ये 250 इंडिविजुअल में से अब क्या हुआ है, 300 इंडिविजुअल हो गए हैं ये लोग।
अब अगर ये 300 इंडिविजुअल हो गए हैं, तो अब हम क्या किए, ये 300 इंडिविजुअल का स्टडी किया हमने, तो ये 300 इंडिविजुअल में हमें क्या मिला, इस पर्टिकुलर लोकस में अब जो डिफरेंसेस हैं वो कितने इंडिविजुअल में हमें देखने को मिला, वो हमें देखने को मिला 5 इंडिविजुअल में। पहले कितना देखने को मिल रहा था, 1/250, मतलब 250 इंडिविजुअल में एक का थोड़ा अलग सीक्वेंस आता था। अब क्या हुआ है, देखो 300 इंडिविजुअल में से 5 इंडिविजुअल का अलग सीक्वेंस आ गया है। तो अब अगर इसका हम लोग परसेंटेज निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो 100 से करो, वन पॉइंट सिक्स के आसपास, ओके 1.6 1.7 के आसपास आ रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, अब 5 इंडिविजुअल हो चुके हैं, पहले तो एक था, हम मान रहे थे ठीक है भाई म्यूटेशन हो गया है। अब अगर 5 इंडिविजुअल हो गए हैं तो डेफिनेटली जो एलिलिक वेरिएशन हुआ था उस पर्टिकुलर लोकस में वो क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, तब जाके तो इंडिविजुअल इंक्रीज हो रहे हैं, है कि नहीं। तो अब इसे क्या बोल देंगे, एक से ऊपर अगर आ जाता है ये रेशियो, ये परसेंटेज, ये फ्रीक्वेंसी, तो हम इसे क्या बोल देंगे, अभी ये डीएनए का पार्ट जो है ये पॉलीमॉर्फिक हो चुका है, इसके पास क्या हो रहा है, कुछ चेंजेस आ रहे हैं, ओके। तो अगर उसके बाद क्या होगा, देखो 5 इंडिविजुअल थे, उसमें से 300 में से 5 आए थे, उसके बाद ये रिप्रोडक्शन करेंगे, ये मान लो 1000 हो गए, ओके 1000 में से अब कितने आ सकते हैं, 10 20 इस तरह से आ सकते हैं। तो इस तरह से ये जो जो पॉपुलेशन स्टडीज़ है ये किया जाता है, जिससे कि हमें क्या पता चलेगा कि किस पर्टिकुलर सेगमेंट में, उस पर्टिकुलर मतलब किस लोकस में क्या चेंजेस हुए हैं और वो कितनी बार चेंजेस हुए हैं। अब ये जो रिपीट्स होते हैं, राइट, ये जो रिपीट्स होते हैं मिनी सैटेलाइट के मेनली, इनको क्या बोला जाता है, एक इनका एक टाइप होता है, एक क्लास होता है, जिसको बोला जाता है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। ये क्या है, एक्चुअली मिनी सैटेलाइट का एक क्लास है, मिनी सैटेलाइट एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, मतलब एक ब्रॉड ग्रुप है जिसके अंडर की ये जो VNTR रिपीट्स हैं ये आते हैं। मतलब ये किस तरह का रिपीट होगा, ये क्या है, अगर मिनी सैटेलाइट का है तो डेफिनेटली ये 20 से 25 या 50 से 100 न्यूक्लियोटाइड्स का रिपीट होगा, राइट। तो ये जो रिपीट है, ओके ये जो रिपीट है इनको बोला जाता है VNTR। नाम पहले देख लेते हैं, वेरिएबल मतलब अलग अलग है, ओके वेरिएबल नंबर, वेरिएबल नंबर अलग अलग नंबर होगा उनका। टेंडम रिपीट, टेंडम का मतलब क्या होता है, कोई ये एक एडजेक्टिव अगर इसका बात करें तो, अगर ये कोई रिपीट है या फिर कोई भी एलिमेंट, कोई पर्सन या फिर जो भी है, इसके आगे भी वही सेम रिपीट होगा, पीछे भी वही सेम रिपीट होगा, राइट, इसको बोला जाता है टेंडम रिपीट्स। और अभी हम लोग रिपीट्स के बारे में जितना भी बात कर चुके हैं, आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा कि ये जो रिपीट्स होते हैं ये टेंडम रिपीट्स होते हैं, और भी कई सारे रिपीट्स होते हैं जो कि आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ोगे, अभी उसके जानने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स होते हैं भाई, ये होता क्या है, अगर मैं दो इंडिविजुअल को कंपेयर करूं, ओके उनके रिपीट्स को अगर मैं देखूं डीएनए सीक्वेंसेस में, तो फिर क्या है कि ये इंडिविजुअल वन का मैंने एग्जांपल लिया, 4 क्रोमोसोम, ओके क्रोमोसोम नंबर 1, 2, 3 एंड 4, इंडिविजुअल टू के भी 4 मैंने क्रोमोसोम लिया है। तो अगर एक इंडिविजुअल के बारे में बात करें तो कितना कितना क्रोमोसोम होता है टोटल हमारे पास, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, राइट। तो ये जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, क्या होता है, एक क्रोमोसोम जो होता है वो पैटर्नल होता है और दूसरा क्रोमोसोम जो होता है वो मैटर्नल होता है, मतलब एक तो फादर से आया होगा और दूसरा जो है वो मदर से आया होगा, ओके तो फादर के पास जो रिपीट्स पाया जाएगा, ओके वो अलग होगा, मदर के पास जो रिपीट पाया जाएगा वो सीक्वेंस अलग होगा, और दोनों का जब प्रोजनी जनरेशन होगा तो वो प्रोजनी के पास, इन दोनों के पास जो वेरिएशन आया था वो सेम इन दोनों के पास जो वेरिएशन आया था वो क्या होगा, एक इंडिविजुअल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स क्या होता है, कुछ सीक्वेंसेस होते हैं जिनका कंटिन्यूसली रिपीट होता रहता है, और वो रिपीट क्या है कि हर एक क्रोमोसोम में क्या होते हैं वो अलग अलग देखने को मिलेंगे और हर एक इंडिविजुअल में वो अलग अलग देखने को मिलेंगे। ये रिपीट्स जो हैं डिफरेंट कैसे हैं दूसरे रिपीट से, ये होंगे हाईली पॉलीमॉर्फिक, ओके इनका जो फ्रीक्वेंसी है पॉपुलेशन में, इनका इनके पाए जाने का जो रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। काफ़ी ज़्यादा कैसे होता है, अब मान लो दो इंडिविजुअल अगर लेते हैं, यहाँ पे मैंने इसीलिए एग्जांपल लिया था,
अगर VNTR के बारे में बात करें तो ये वो सीक्वेंसेस होते हैं जो कि दो इंडिविजुअल में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। ओके, यहाँ पे देखो मैंने रेड से एक इसका लोकस इसका लोकस को ये क्या मार्क किया है, तो ये लोकस में अगर इतना रिपीट है तो यहाँ पे देखो इसका सेगमेंट मैंने थोड़ा ज़्यादा किया है, इसका लेंथ ज़्यादा किया है, तो इन दोनों में आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा। इस तरह से क्रोमोजोम नंबर टू का अगर ये पर्टिकुलर लोकस देखे तो यहाँ पर भी देखो यहाँ पर शॉर्ट इसका लेंथ है और इसका जो लेंथ है ये काफ़ी लंबा है। इस लोकस के बारे में अगर बात करें क्रोमोसोम नंबर थ्री का, तो उसका अगर VNTR देखें एक पर्टिकुलर सीक्वेंस, तो इनका क्या है, अलग है। इसका मतलब ये हाईली पॉलीमॉर्फिक डीएनए के सेगमेंट्स होते हैं। अगर ये हाईली पॉलीमॉर्फिक हो गए, इसका मतलब एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से अलग करने में ये सबसे ज़्यादा काम आएंगे, क्योंकि यही वो रिपीट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में पाए जाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे पॉपुलेशन स्टडी का जो एग्जाम्पल लिया था उसमें क्या देखा था, ये जो रिपीट्स होते थे जब म्यूटेशन स्टार्ट हुआ तब क्या हुआ, 100 इंडिविजुअल में से एक इंडिविजुअल को हुआ था। उसके बाद क्या देखा हमने कि 300 इंडिविजुअल में से 5 इंडिविजुअल को हुआ था। लेकिन अगर VNTRs के बारे में बात करें तो ये क्या होता है, मान लो 80 इंडिविजुअल ये अलग होंगे अगर हम लोग 100 के बारे में बात करें, तो मतलब 100 में से 80 जो होंगे उनके पास डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग तरह के एलीलिक सीक्वेंसेस प्रेजेंट होगा उस पर्टिकुलर लोकस के लिए। तो अगर इतना ज़्यादा वेरिएशन एक पर्टिकुलर लोकस में मिल रहा है तो डेफिनेटली ये क्या होगा, यही वो सीक्वेंसेस होंगे जिससे कि एक दूसरे को आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। क्यों, क्योंकि हमारा जो 99% जीनोम है भाई, ये तो पूरा का पूरा सेम है, इसको तो हम कुछ सोच भी नहीं सकते कि इसको लेके हम लोग दो इंडिविजुअल को अलग कर सकें। और जो 0.01% बचा उसमें जो VNTR सीक्वेंसेस होते हैं ये कैसे होते हैं, हाईली पॉलीमॉर्फिक होते हैं। मतलब एक लोकस में एक इंडिविजुअल, मतलब एक क्रोमोसोम का एक लोकस और दूसरे इंडिविजुअल का वही लोकस अगर लें तो ये डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर मिलेगा। इसी वजह से इसको किस में यूज़ किया जाता है, इसको यूज़ किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मान लो, या फिर जो कई सारे फॉरेंसिक यूटिलिटीज़ होते हैं जो कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बेस्ड होते हैं उनमें ये यूज़ होता है। अब देखते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक्चुअल जो पार्ट है वो अभी आएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है इसके कई सारे स्टेप्स होते हैं। अभी हमने डिस्कस किया कि ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होगा ये किसके बेसिस पे लिया जाता है, VNTR सीक्वेंसेस पे, राइट। क्यों VNTR पे लिया जाएगा, क्योंकि ये जो होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा पॉलीमॉर्फिक होते हैं इसी वजह से। तो अगर हमें किसी भी डीएनए का उसका VNTR सीक्वेंस आइसोलेट करना है या आइडेंटिफाई करना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि डीएनए सेल के अंदर प्रेजेंट होगा। अब सेल के अंदर तो जाके हम क्रोमोसोम का स्टडी नहीं कर सकते, तो सेल को क्या करना पड़ेगा, हमें बाहर उसको निकालना पड़ेगा। तो सेल को, सेल से क्या करना पड़ेगा, डीएनए को बाहर लाना पड़ेगा टेस्ट ट्यूब के अंदर। उसके बाद इससे क्या करेंगे हम लोग, VNTR सीक्वेंसेस को आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। ये दिखने में जितना आसान लग रहा है सेल के अंदर से डीएनए को बाहर निकालना, ये इतना आसान नहीं होता, इसमें कई सारे कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। सेल जो होगा वो किससे बना हुआ, किससे कवर्ड होता है, सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। और अगर प्लांट्स के बारे में बात करें, फंगी के बारे में बात करें, तो उसके ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट होता है, राइट। तो सबसे पहले हम सेल को डिसरप्चर करेंगे। ओके, रप्चर करने के बाद क्या होगा, इसके अंदर न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस का रप्चर होगा। न्यूक्लियस रप्चर होने के बाद क्या होगा, जो डीएनए फ्रेगमेंट है वो आइसोलेट होगा। ओके, इस आइसोलेशन के बाद हम क्या किए, इसको एक टेस्ट ट्यूब में रखें। उसके बाद क्या है कि पूरा डीएनए सेगमेंट में तो VNTR प्रेजेंट है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर कुछ कुछ लोकेशन पे प्रेजेंट होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि पूरा डीएनए सीक्वेंस ही VNTR है, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा उसके बाद, कि ये जो VNTR सीक्वेंसेस है ये पूरे डीएनए में, उसको आइडेंटिफाई करके उसको कट करना हो, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ चाहिए, हमें पूरा डीएनए बल्क में नहीं चाहिए होता है। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ उसी सीक्वेंस को कट करेंगे तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हम एंजाइम्स यूज़ करेंगे, राइट। कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स जो कि सिर्फ और सिर्फ वही सेगमेंट को कट करें और बाकी सेगमेंट्स को कट ना करें। तो फिर वो जो सेगमेंट्स होते हैं, सॉरी वो जो एंजाइम्स होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, एंडोन्यूक्लियस। दो तरह के एंजाइम हुआ करते थे, मैंने बताया था, वो क्या होते थे, एक्जोन्यूक्लियस होता है और एक
एंडोन्यूक्लिएज होता है। नाम से क्या पता चल रहा है, न्यूक्लिएज, न्यूक्लिएज का मतलब न्यूक्लिक एसिड को कट कर रहा होगा, राइट। एक्जो का मतलब बाहर से कट। अब अगर ये मैं मान लेती हूँ कि पूरा डीएनए फ्रेगमेंट है, एक्जो न्यूक्लियस क्या करेगा, यहाँ से कट करना स्टार्ट करेगा। पहले यहाँ कट करेगा, ये फ्रेगमेंट रिमूव होगा, उसके बाद इधर जाएगा, ये फ्रेगमेंट रिमूव होने के बाद फिर यहाँ जाएगा, मतलब इस तरह से वो कट करता हुआ चलेगा बाहर से अंदर की तरफ। लेकिन एंडोन्यूक्लियस का प्रॉपर्टी क्या होता है, ये डायरेक्टली अंदर इस तरह से कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं हम लोग, एंडोन्यूक्लियस। नाम क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इसके बारे में डिटेल में आप लोग बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पे बस एक नाम बस याद रख लेना, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो कि डीएनए सेगमेंट्स को कट करने में यूज़ होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सेकंड जो VNTR सीक्वेंसेस होते हैं, ये एंजाइम यूज़ करके हमने क्या किया, इन सेगमेंट्स को अलग अलग कर दिया, इन फ्रेगमेंट को अलग किया। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि इस एंजाइम को कैसे पता चलेगा कि ये VNTR सीक्वेंस कहाँ पे कट करना है। ये सारे एंजाइम्स के प्रॉपर्टी होते हैं, वो एक पर्टिकुलर स्पॉट पर ही जाके कट करते हैं, ओके। ये सारा का सारा बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में आएगा, तो उसके लिए थोड़ा वेट करना होगा आप लोगों को। बस यहाँ पे ये समझ लो कि ये कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो कि पर्टिकुलर सेगमेंट को कट करने में यूज़ होते हैं। अब हमें मान लो फ्रेगमेंट्स मिल गया। अब ये जो फ्रेगमेंट मिला, हमने क्या देखा था, कुछ फ्रेगमेंट्स होते हैं जो 10 रिपीट के हो सकते हैं, कुछ होते हैं 100 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, 10,000 रिपीट्स हो सकते हैं। अगर इस तरह के इतने सारे रिपीट्स हो रहे हैं, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, आइसोलेट करके अरेंज भी तो कर सकते हैं, राइट। ये जो अरेंजमेंट होता है, ओके, ये क्या होता है, अरेंजमेंट या फिर सेपरेशन जिसे बोला जाता है, इसके लिए एक मेथड होता है जिसे बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, उसमें क्या होता है, हम लोग सेपरेशन करते हैं मॉलिक्यूल्स को चार्ज के बेसिस पे, राइट। तो इसमें भी क्या होता है, बायोलॉजी में भी हम लोग क्या करते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल जो चार्ज्ड मॉलिक्यूल है या फिर उनका हमें मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग हमें उनको आइसोलेट करना है, हमें इनको सेपरेट करना है, या फिर उनका जो वेट है, सॉरी उसका जो लेंथ है, उसके अकॉर्डिंग हमें उसको सेपरेट करना है, तो हम लोग उसे क्या यूज़ करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस आप लोग जानते होंगे, यहाँ पे बस एक और ऐड हुआ है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। वो इसीलिए यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो जेल, यहाँ पे जो मीडियम यूज़ होता है, वो कौन सा मीडियम होता है, एक्चुअली एगरोज मीडियम होता है, राइट। तो ये जो एगरोज मीडियम होता है, उसका हम लोग क्या बनाते हैं, सबसे पहले एक प्लेट बनाते हैं, ओके। प्लेट में एगरोज को इस तरह से स्प्रेड कर देंगे, उसके बाद कुछ वेल्स रहेंगे यहाँ पे, उस वेल में हम लोग क्या करेंगे, जो भी इंडिविजुअल का, अब मान लो कोई इंडिविजुअल, ये फर्स्ट पर्सन का कुछ फ्रेगमेंट्स हमने उसको VNTR सीक्वेंसेस के फ्रेगमेंट्स हमें मिले हैं, उसको हम पहले वेल पे इस तरह से डाल देंगे, दूसरे इंडिविजुअल का कैसे, दूसरे वेल पे डाल देंगे, तीसरे का कैसे, तीसरे में डाल देंगे, क्योंकि ये VNTR सीक्वेंसेस हैं और ये कैसे हैं, इनके रिपीट्स अलग अलग होते हैं। एक ही इंडिविजुअल में हमने देखा था कि कई सारे रिपीट्स देखने को मिल सकते हैं अलग अलग वेराइटी के। तो वो क्या होगा, देखो ये जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, ये साइज के बेसिस पे क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे ये नीचे चलते चलेंगे, मतलब जो लो मॉलिक्यूलर वेट का होगा वो क्या होगा, सबसे जल्दी ट्रेवल करेगा, ओके। उसके बाद जिसका वेट होगा वो उसके बाद ट्रेवल करेगा, राइट। तो ये जो मॉलिक्यूलर वेट है, ये कैसे डिटरमाइन होता है, उनके नंबर ऑफ रिपीट्स पे। अब मान लो हमने नंबर ऑफ रिपीट्स किसका लिया है, CA का लिया है। अगर CA 10 बार रिपीट हुआ है और उसके कंपेरेटिवली दूसरी जगह पे अगर 100 बार रिपीट हुआ है, तो डेफिनेटली जो 10 टाइम जिसका रिपीट है, उसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा एज़ कम्पेयर टू 100 टाइम। ये लाइट वेटेड होगा, राइट, ये फ्रेगमेंट, और ये फ्रेगमेंट क्या होगा, हैवी वेट होगा। तो ये अगर लाइट वेट वाला फ्रेगमेंट है, तो ये क्या करेगा, सबसे आगे ट्रेवल करेगा, राइट। उसके बाद ये 100 वाला फ्रेगमेंट ट्रेवल करेगा। तो इस तरह से क्या होता है, ये जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, ये सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन ये एक प्रॉब्लम क्या होता है कि ये जो एगरोज जेल है और एगरोज मीडियम जो होता है, वो स्टेबल नहीं होता। जेल है वो टेम्परेचर पे वेरी करेगा, अगर ज़्यादा टेम्परेचर दे देंगे तो ये क्या होगा, पिघल जाएगा। तो यहाँ पे हमें जो इस तरह के सीक्वेंसेस मिले हैं, ये जो डाटा हमें मिला है, ओके, ये जो फ्रेगमेंट्स के लेंथ के अकॉर्डिंग ये लोग जब अरेंज हो गए हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मोर स्टेबल मीडियम में ट्रांसफ़र करना होगा। और यहीं पे आ जाता है क्या, ब्लॉटिंग, ओके। ये जो प्रोसेस है ब्लॉटिंग का, जो मेथड है, इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो सीक्वेंसेस हमें मिले हैं, ये एक्चुअली क्या है, इसको हमें सेपरेट करना, इसको हमें क्या करना होगा, दूसरे में ट्रांसफ़र करना होगा, दूसरा ज़्यादा ड्यूरेबल
मटेरियल, और वो क्या यूज़ होता है यहाँ पे, नायलॉन मेम्ब्रेन यूज़ होता है और नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन, ये छोटे छोटे पेपर लाइक मेम्ब्रेन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, अगर इसको इसके ऊपर हम लोग डाल देंगे और कुछ हैवी वेट रख देंगे इसके ऊपर, तो फिर ये क्या होगा, यहाँ पे जो सीक्वेंसेस हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं ऊपर, ठीक है। ये इतना आसान नहीं होता जितना बोलने में लग रहा है, यहाँ पे भी क्या होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस का मैकेनिज्म यूज़ होता है, इसको कई सारे बहुत टिपिकल प्रोसेसेस होते हैं, ये आसान नहीं होता कभी भी, ओके। तो यहाँ पे बस बेसिक आप लोग पढ़ रहे हो तो बस इतना जान लो कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, सेपरेशन होता है मॉलिक्यूल का, और मॉलिक्यूल सेपरेशन के बाद उसको मोर स्टेबल नायलॉन मेम्ब्रेन या नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन में हमें उसको ट्रांसफ़र करना होता है, जिस प्रोसेस को बोलते हैं ब्लॉटिंग, ओके। अब ब्लॉटिंग हो चुका, ब्लॉटिंग होने के बाद यहाँ पे जो मिलेगा, ओके, ये जो पेपर होता है, ये पेपर में जो भी यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ होता है, ये नेकेड आई में विजिबल नहीं हो पाता है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें विजुअलाइज़ करना होगा कि ये किस तरह से फ्रेगमेंट है, राइट, क्योंकि हमारे पास एक पेपर है, आपको अगर नॉर्मली आप लोग देखो ब्लॉटिंग के बाद, तो फिर वो कैसा दिखेगा, प्लेन पेपर जैसा दिखेगा, आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो कि उसमें ये यहाँ पे जितने भी इंफॉर्मेशन है ये सारे इसके अंदर ट्रांसफ़र हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, प्रोबिंग करना पड़ता है, ओके। प्रोबिंग मतलब जैसे आप लोग बायोलुमिनेसेंट के बारे में जानते होंगे या फिर लुमिनेसेंट के बारे में, लुमिनेसेंट क्या होता है, वो कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसको अगर हम लोग ऐसे कहीं पे भी रखते हैं या फिर क्या होता है, वो लाइट एमिट करते हैं, राइट। तो ये जो लाइट एमिशन होगा, अगर उसको किस तरह से हम लोग इनके ऊपर बाइंड करा सकें, तो फिर क्या हो सकता है, ये विजुअलाइज हो सकता है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसका हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। ये जो नेक्स्ट प्रोसेस है ये वही प्रोसेस है। हाइब्रिडाइजेशन किसे करते हैं, प्रोब से करते हैं। अब प्रोब क्या होता है, एक क्वेश्चन आता है, प्रोब होता है एक छोटे छोटे सीक्वेंसेस का, न्यूक्लियोटाइड्स का। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होते हैं ये इनके सिमिलर होते हैं, तो उनको अगर इसके ऊपर डालोगे तो क्या होगा, जो प्रोब जिस पर्टिकुलर फ्रेगमेंट के साथ सिमिलैरिटी रखेगा वो उसके साथ जाके क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा कि नहीं, क्योंकि ये जो प्रोब होते हैं ये क्या होते हैं, खुद न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होते हैं, ओके। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस वाले प्रोब्स हैं, ये जब ये अपना आइडेंटिकल या अपना कंप्लीमेंट्री पेयरिंग जब इनको मिल जाएगा, तो ये क्या करेंगे, इस तरह से बॉन्डिंग बना लेंगे, समझ में आया। तो ये अगर बॉन्डिंग बना लिया इसके ऊपर, तो ये जो प्रोब है ये कैसा है, ये हमारा इसके पास बायोलुमिनेसेंट प्रॉपर्टी है, और लुमिनेसेंट प्रॉपर्टी आप लोग मान सकते हो, ये हाइब्रिडाइज्ड है, ओके। तो ये क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्यों बोलते हैं, यहाँ पे देखो ये जो सेगमेंट है, ये फ्रेगमेंट जो पेन में ड्रॉ किया गया था, ये फ्रेगमेंट क्या है, हमें ये चाहिए, ओके। बाद में क्या किया गया, प्रोब इसके साथ जाके कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग किया, तो ये क्या हुआ, ये फ्रेगमेंट सब हाइब्रिडाइज हो चुके हैं, इसीलिए इन प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पे क्या है, प्रोब इसके साथ अटैच्ड है, और ये प्रोब को अगर हम किसी और केमिकल के साथ इसको ऐड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये उस पर्टिकुलर एरिया पे हमें चमकता हुआ शो होगा, और हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमारे जो फ्रेगमेंट्स हैं जो कि हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आया था, वही सेम टू सेम फ्रेगमेंट यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे क्या है, देखो डिटेक्शन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, हाइब्रिडाइजेशन के बाद हमने क्या किया, डिटेक्शन करना स्टार्ट किया। डिटेक्शन में जो प्रोसेस यूज होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी में क्या होता है, कुछ केमिकल्स को ये नायलॉन मेम्ब्रेन और नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन में ऐड किया जाता है, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से ये शो होगा, ओके, समझ में आया। तो इस तरह से हम लोग डिटेक्ट करते हैं कि डीएनए फ्रेगमेंट्स जो है वो हमारे पास कौन कौन सा आ चुका है, तीन इंडिविजुअल का। अब सोचने वाली बात यह कि इतना सारा प्रोसेस हम लोग करते हैं तो क्यों करते हैं, राइट। तो हमने ये देखा कि जो VNTR सीक्वेंसेस होते हैं वो हर एक इंडिविजुअल में डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। इवन एक इंडिविजुअल के अगर अलग अलग क्रोमोसोम्स के बारे में बात करें तो वो भी डिफरेंट होता है। तो ये मोस्टली फॉरेंसिक साइंस में यूज़ होता है, ओके। जब हम लोग किसी क्राइम सीन में और सस्पेक्ट के बीच में जब ये किया जाता है कि सस्पेक्ट को गिल्टी में जब बताना होता है कि कैसे क्या हुआ था, वहाँ पे कौन कौन प्रेजेंट थे, तो वो सब जब यूज़ होता है तो तब ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो यूज़ होगा। और कहाँ पे यूज़ हो सकता है, ये पैटर्नल डिस्प्यूट्स के केस में यूज़ हो सकता है, राइट। किसी चाइल्ड के जो फादर होते हैं या मदर होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने में भी ये यूज़ होता है। अब देखते हैं कि उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। ये इंटरेस्टिंग प्रोसीजर्स होते हैं सुनने में,
लेकिन समझने में भी इंटरेस्टिंग है, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन में भी लग सकता है. ओके तो एक बार ध्यान से समझ लेना, आराम से हो जाएगा. तो ये मैंने दो यहाँ पे क्या है, एक क्राइम सीन के बारे में बात किया गया है. ओके तो ये जो डायग्राम है ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी का मैंने उठाया है. तो यहाँ पे अगर इसको समझ लोगे तो एनसीईआरटी का जो डायग्राम है वो भी क्लियर हो जाएगा. तो यहाँ पे देखो क्या है कि ये जो पार्ट है ये है डीएनए जो कि कलेक्ट किया गया था क्राइम सीन पे. ओके तो ये जो डीएनए क्राइम सीन पे कलेक्ट किया गया था उसके बाद दो इंडिविजुअल जो सस्पेक्ट हैं ओके उनका क्या किया गया, देखो इनके सेल्स लिए गए. अब ये क्वेश्चन माइंड में आ सकता है कि जो सेल हैं, डीएनए क्या होता है, सेल के अंदर रहता है राइट. तो यहाँ पे क्या क्या सैंपल्स हो सकते हैं, ब्लड सैंपल से निकाला जा सकता है राइट, और क्या हो सकता है, हेयर से निकाला जा सकता है, और स्किन सेल्स. ओके कहीं से भी कोई भी अगर एक सेल भी हमें बॉडी से मिल गया, मतलब उस पर्टिकुलर एरिया पे मिल गया, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, उससे आराम से उनका जो क्रोमोसोम है उनको लेकर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के डाटा हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं. लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम एक सेल हमें मिला तो भाई एक या दो सेल अगर मिले तो उससे वो तो माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं राइट, तो उससे कैसे हम लोग डीएनए निकालेंगे, वो तो और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा. अगर बल्क में हमें डीएनए मिलता है तो वो अलग बात होती है, हमें बहुत ज़्यादा डीएनए मिलेगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में डीएनए मिलेगा राइट. तो इसमें क्या होता है, एक प्रोसीज्योर, एक टेक्निक जो है ये काम आता है जिसे बोला जाता है पीसीआर. ओके पीसीआर क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. इसमें क्या होता है, अगर हमें एक भी फ्रेगमेंट मिल गया है डीएनए का तो हम उसका मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं. मल्टीपल कॉपीज़ बनाने का क्या फ़ायदा होगा कि हमारे पास एक जो सैंपल है उसका कॉपी मिल जाएगा, बहुत सारे कॉपी मिल जाएंगे. ओके और हमें आसानी हो जाएगी उससे आइडेंटिफाई करने में, उसको फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट करने में, उन फ्रेगमेंट से हमें आगे जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है उसको करने में. ओके तो यहाँ पे देखो ये दो इंडिविजुअल हैं, ये जो पहला इंडिविजुअल है इनका जो ये लोकस है, ये क्रोमोसोम नंबर 7, क्रोमोसोम नंबर 2 और क्रोमोसोम नंबर 16 यहाँ पे इस तरह से मैंने लिया है. यहाँ पे भी देखो सेम क्रोमोसोम लिया है, क्रोमोसोम नंबर 7, 7, 7, 2 है तो इन दोनों का भी 2 है, यहाँ पे 16 है तो इनका भी 16 है और इसका भी 16 वाला ही लिया गया है. ओके तो यहाँ पे देखना, ये जो इंडिविजुअल ए है इसके पास ये जो क्रोमोसोम नंबर 7 है, ये 7th क्रोमोसोम में देखो तीन इस तरह से बॉक्स बने हुए हैं रेड के. ओके एक क्रोमोसोम किससे आया होगा, ये क्रोमोसोम अगर फादर से आया है तो ये वाला किससे आया होगा, मदर से आया होगा डेफिनेटली राइट. तो इसीलिए इन दोनों में, इस पर्टिकुलर लोकस में, ओके इस पर्टिकुलर लोकस में जो वेरिएशन है ये दोनों अलग है, क्योंकि मदर से जो क्रोमोसोम आया होगा उसमें देखो यहाँ पे चार इस तरह से बॉक्स बने हुए. ये बॉक्स एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं VNTR सीक्वेंसेस. ओके यहाँ पे अगर इस तरह का रिपीट है, चार बॉक्स में अगर रिपीट है तो यहाँ पे तीन बॉक्स में वो रिपीट को शो किया गया है. इंडिविजुअल बी में देखो अगर इस पर्टिकुलर क्रोमोसोम को देखें तो इनका सेम लोकस, वही लोकस में देखो वेरिएशन कितना है, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे 6 हैं और यहाँ पे कितने हैं, 5 हैं, क्योंकि एक यहाँ पे इसका भी पैटर्नल होगा और एक मैटर्नल होगा राइट. तो इस तरह से मैंने देखो अलग अलग जो क्रोमोसोम हैं उनके नंबर अलग अलग किए हैं. अब देखते हैं कि ये कैसे पता चलता है कि ये जो क्राइम सीन में जो इंडिविजुअल का हमें सैंपल मिला था वो सैंपल इन दोनों इंडिविजुअल में से कोई एक हो सकता है. ओके तो अगर इन दोनों में से कोई एक हो सकता है तो अब कैसे वो आइडेंटिफाई होता है देखते हैं. अब मान लेते हैं कि यहाँ पे जो सैंपल मिला, ओके यहाँ पे जो क्राइम सीन का सैंपल है उसका हमने क्या किया, ऑटो रेडियोग्राफी किया, मतलब सबसे पहले डीएनए का आइसोलेशन किया, आइसोलेशन के बाद क्या किया हमने, उसका फ्रेगमेंट बनाया, उस फ्रेगमेंट के बाद हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद उसका प्रोबिंग किया, ओके प्रोबिंग हाइब्रिडाइजेशन, ओके उसके बाद ऑटो रेडियोग्राफी के बाद ये हमें एक ऑटो रेडियोग्राम मिला. ऑटो रेडियोग्राम क्या होता है, वो पर्टिकुलर हमारे पास जो रिजल्ट शीट होता है, मान लो उस तरह का समझ लो, इसको रिजल्ट शीट हमें मिल गया है. तो यहाँ पे जो क्राइम सीन है उसके जो सीक्वेंसेस हैं वो कैसे हमें मिले हैं, यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर 7 है वो कैसे अरेंज्ड है, ये एक्चुअली कैसे अरेंज्ड होता है, ये अरेंज होंगे हमारे जो रिपीट्स होते हैं उनके नंबर ऑफ रिपीट्स, मतलब हमने बोला था कि मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे ये अरेंज होते हैं, सबसे नीचे है मतलब इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है सबसे कम होगा. ओके उस तरह से ये अरेंज हो गए हैं. तो ये जो फ्रेगमेंट्स हमें मिला है ये इस सीक्वेंस में मिला है.
अब मान लेते हैं कि जो और दो जो हमें मिले हैं, ओके, और दो सस्पेक्ट्स जो हमें मिले हैं उनका जो फ्रेगमेंट्स मिला है, दो सस्पेक्ट्स के जो फ्रेगमेंट्स मिले हैं वो इस तरह से अरेंज्ड हैं। यहाँ पे एक वन का है इंडिविजुअल का, यहाँ पे बी इंडिविजुअल का है। तो ये जो ए एंड बी इंडिविजुअल के हैं ये कैसा होगा, एक्चुअली खुद सोचो कि अगर ये दोनों इंडिविजुअल उस पर्टिकुलर क्राइम सीन में प्रेजेंट थे, ओके, तो उस पर्टिकुलर क्राइम सीन में अगर ये इंडिविजुअल प्रेजेंट थे तो ये कैसा होगा कि यहाँ पे जो ऑटो रेडियोग्राम आया है और यहाँ पे जो रेडियोग्राम मिला होगा वो दोनों के दोनों सेम हुआ होगा, राइट। ये दोनों के दोनों एग्जैक्टली हमें कोई ना कोई सेम मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो मैंने इसका एग्जांपल लिया है, यहाँ पे देखो अगर ये पर्टिकुलर सी का ये ऑटो रेडियोग्राम है तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों में हमें सिमिलैरिटीज़ यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है। तो अब मान लेते हैं कि यहाँ पे ये जो एक फ्रेगमेंट, अब मान लो यहाँ पे एक इंडिविजुअल बी इंडिविजुअल के बारे में अगर देखें तो उसमें क्या मिला है, इस तरह से फ्रेगमेंट मिले हैं, ओके, इस तरह से। तो ये क्या हो रहा है, कम्प्लीटली इसके साथ मैच कर रहा होगा। तो ये मैचिंग यहाँ पे देखा जाता है कि ये किससे सबसे ज़्यादा मैच कर रहा है। तो जिससे ये ज़्यादा मैच करेगा उसमें क्या होगा, वो उस पर्टिकुलर एरिया पे प्रेजेंट था, ये माना जाता है। इसी तरह से क्या कर सकते हैं, पैटर्निटी टेस्टिंग। पैटर्निटी टेस्टिंग में क्या होता है, उसमें उसमें देखो इससे पहले जो डायग्राम बनाया गया था वो पैटर्निटी टेस्टिंग का था। तो पहले डायग्राम में अगर याद करो तो यहाँ पे थोड़ा ये हो गया है तो उसको थोड़ा समझने का कोशिश करना बस। अगर मान लो ये चाइल्ड है, ओके, तो ये अगर चाइल्ड का ऑटो रेडियोग्राम है तो क्या होगा, यहाँ पे जो भी सीक्वेंसेस मिले हैं वो सीक्वेंस इसके पेरेंट में प्रेजेंट होंगे डेफिनेटली। तो पहले क्या था, ये यहाँ पे नहीं था, ओके, ये यहाँ पे नहीं था, फाइन। तो अब समझ में शायद आ जाएगा आप लोगों को। तो मान लेते हैं ये पैटर्निटी टेस्टिंग का है, तो ये चाइल्ड है और ये दोनों इसके मतलब इन दोनों को सोच रहे हैं कि इन दोनों का बच्चा ये है, ओके। तो तब क्या होता है, देखो यहाँ पे अगर ये क्रोमोसोम है इस चाइल्ड के पास तो इन दोनों पेरेंट में से किसी एक के पास डेफिनेटली उस पर्टिकुलर लोकस में वो VNTR सीक्वेंस होगा, ओके। तो यहाँ पे देखो ये जो सीक्वेंस है वो इससे मैच कर रहा है, इसका लेवल जो है वो मैच कर रहा है, यहाँ पे होना चाहिए था इसको, ये जैसे पूरा मैच करे, ओके, यहाँ पे ये मैच कर रहा है। उसके बाद ये जो सेकेंड है, ओके, ये जो सेकेंड इसके पास हमारे पास जो फ्रेगमेंट है ये फ्रेगमेंट किसके साथ मैच कर रहा है, इसके साथ, ओके। उसके बाद देखो ये थर्ड वाला, थर्ड वाला क्या किसके साथ मैच कर रहा है, ये पेरेंट के साथ, एक पेरेंट के साथ ये मैच कर रहा है, राइट। ये फोर्थ वाला किससे मैच कर रहा है, देखो ये मैच कर रहा है इसके साथ, ओके। यहाँ पे ये वाला देखो एक के साथ मैच कर रहा है और ये दूसरा वाला देखो इसके साथ इसका लेन मैच कर रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि इसके जो इस पर्टिकुलर चाइल्ड के पास जितने भी फ्रेगमेंट मिले हमें वो इन दोनों का मिला के इससे आराम से बन रहा है। तो उससे क्या पता चल रहा है कि ये जो चाइल्ड है ये डेफिनेटली ये दो जो पेरेंट्स हैं इन्हीं का बच्चा होगा ये। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर जो VNTR सीक्वेंसेस होते हैं वो हाईली पॉलीमॉर्फिक होते हैं, वो हर एक इंडिविजुअल में अलग अलग देखने को मिलेगा। तो ये कभी भी कोई ना कोई सीक्वेंस ऐसा डेफिनेटली रहता जो कि मतलब कोई ना कोई नहीं, बहुत सारे सीक्वेंस हमें ऐसे मिल जाते जो कि इससे अलग होते, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि जितने भी यहाँ पे हमारे पास सीक्वेंसेस हैं वो ऑलमोस्ट इस ये दो के साथ मैच कर रहा है। समझ में आया, तो होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये वीडियो में। इसके बाद NCERT अगर एक बार रीड कर लोगे तो डेफिनेटली सब कुछ समझ में आ जाएगा।